सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरा सारा नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है मेरे आपके अपने इस चैनल दीप्ति द ब्लॉगर के ब्लॉग में। तो फ्रेंड, इस समय बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं नहा के पूजा वगैरह कर चुकी, तो अब मैं यहाँ चाय वगैरह पी के अपने किचन में आ गई हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज मिक्स पनीर मंचूरियन। तो यहाँ मैंने लिया है पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, हरा धनिया, गाजर और 100 ग्राम लगभग है मेरा पनीर। और यहाँ मैं डालूँगी 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी कॉर्नफ्लोर, और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मैं साइड में रख दूँगी, इसका मैं पेस्ट बनाऊँगी। और इसमें 2 चम्मच मेरा महीन कटा हुआ प्याज डालूँगी, फिर उसके बाद 1 छोटा चम्मच यहाँ पे डालूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसमें मैं कुछ सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ, ये है मिर्ची पाउडर, नमक, नमक हम यहाँ थोड़ा ही डालेंगे और गरम मसाला भी हमें थोड़ा डालना है। तो बस अब इन सारी चीज़ों को मैं एक साथ मिक्स कर लूँगी। और थोड़ा सा ये 1 छोटा चम्मच शिमला मिर्च मैंने अलग से निकाल लिया है ग्रेवी लगाने के लिए। तो अब इन सारी मिक्सचर को मैं अच्छे से, सारी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ मुझे चम्मच से नहीं, हाथ से ही लगाना पड़ेगा। तो ये मैं सारा पनीर खूब अच्छे से ग्रेट कर ले रही हूँ यहाँ, खूब मतलब अच्छे से मैश कर लूँगी। और फिर इसके बाद हम इसको एक अच्छा ऐसा टाइट डो बना लेंगे, और तब इसको डो बन जाएगा मेरा। तो ये देखिए, हमारा ये डो लगभग तैयार हो गया है। डो बनने के बाद ये ऐसे हम छोटी छोटी गोलियाँ हम बना लेंगे यहाँ पे सारे डो का। तो यहाँ मैं 6 से 8 लोगों के लिए ये मंचूरियन बना रही हूँ, तो इन सारी चीज़ों का गोली बना लूँगी गोल बनाने के बाद। इधर मैंने अपनी गैस पे कढ़ाई भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब ये सारे बॉल्स को मैं मीडियम आंच पे फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड, यहाँ पे तेल मेरा थोड़ा मीडियम ही गरम होना चाहिए, न तेज न धीमा होना चाहिए तेल गरम, क्योंकि अगर हमारा तेल अधिक गरम रहेगा या फ्लेम अधिक रहेगा तो हमारे सारे बॉल ऊपर से तो अच्छे से पक जाएंगे, ब्राउन हो जाएगा, बट अंदर मेरा कच्चा ही रह जाएगा। तो इसके लिए हमें मीडियम फ्लेम पे, मीडियम ही मतलब टेम्परेचर पे तेल को गरम करना है। तो बस एक एक बॉल को हम ऐसे करके फ्राई कर लेंगे। और आप चाहें तो इसे आधा फ्राई करने के बाद इसे बाहर निकाल के 5 मिनट बाद दोबारा फिर से फ्राई कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ दोबारा फिर से फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि मैंने यहाँ मीडियम आंच पे ही सारे बॉल्स को फ्राई कर लिया है। तो ये हमारे सारे जो मंचूरियन बॉल है ये खूब अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अंदर से भी खूब अच्छे से हमारे बॉल सारे कुक हो गए हैं। तो अब ये ऐसे ही करके मैं सेकेंड राउंड में भी ऐसे ही सारा मैं रख दूंगी बॉल को फ्राई होने के लिए। तो बस ये देखिए, एक एक बॉल मैंने करके यहाँ पे डाल दिया है। और फ्रेंड, इस इंग्रेडिएंट्स में आप जो जैसे मतलब चाहें कुछ चेंज करना चाहें तो आप अपने मुताबिक कर भी सकते हैं। तो यहाँ मैंने पत्ता गोभी लिया है पर्पल वाला। तो अब इधर देखिए, मेरे बॉल वगैरह सारे मंचूरियन बॉल फ्राई हो चुके हैं, यहाँ मेरा तेल भी गर्म हो गया है। अब मैं दूसरी कढ़ाई में ग्रेवी लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच जीरा और 2 छोटा चम्मच मैंने लिया है बारीक चॉप किया हुआ प्याज। तो प्याज और जो शिमला मिर्च हमने 1 चम्मच निकाला था उसे भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी, और साथ ही यहाँ मैं ऐड करूँगी अब थोड़ा सा नमक। नमक हम यहाँ कम क्वांटिटी में ही लेंगे क्योंकि हमें सॉस वगैरह इसमें ऐड करना है तो जिसमें नमक पर्याप्त होता है, तो नमक की क्वांटिटी हम कम ही रखेंगे कि जिससे हमारा नमक तेज़ ना होने पाए। और ये लिया 1 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, और इन सबको मैं खूब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमें यहाँ इसे भूनना नहीं है। और ये हमने लिया 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे केवल हमें अच्छा थोड़ा सा स्टर करना है। तो बस उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 3 से 4 छोटे चम्मच अपना टोमेटो सॉस, और फिर 2 छोटे चम्मच हमें ऐड करने हैं यहाँ पे चिली सॉस भी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या अधिक कर सकते हैं। और फिर यहाँ मैं लूँगी 1 छोटा चम्मच सोया सॉस। तो इन सारी चीज़ों को खूब अच्छे से
मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना थोड़ा सा पानी ग्रेवी लगाने के लिए। ग्रेवी हमें उतना ही रखना है कि जिससे हमारा सारा बॉल इन सारे मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अगर ग्रेवी यहाँ आपको पतली लगे तो आप यहाँ पे कॉर्नफ्लावर का जो घोल आपने हमने बनाया है वहाँ हम उसे डाल सकते हैं, उसे ऐड कर लेंगे। और फिर ग्रेवी की कंटेंसी हम अपने मन मुताबिक रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने घोल तैयार कर लिया है। तो अब इसे भी थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करूँगी और लगातार चलाते हुए ऐड करना है, जिससे इसमें लम्स ना आने पावे, वरना वो खाने में बहुत ख़राब लगेगा। तो बस ये हमारी ग्रेवी भी तैयार हो गई है। बस इसमें हल्का सा एक उबाल आने के बाद हम अपने सारे मंचूरियन बॉल अपने इस ग्रेवी में ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने ये एक सारे मंचूरियन जितने हमें ऐड करने हैं वो मैं ऐड कर लूँगी यहाँ पे। तो बस 2 मिनट के अंदर हमारा ये मंचूरियन बॉल बन के तैयार हो गया है। मिक्स वेज पनीर मंचूरियन हमारा बन के रेडी हो गया है फ्रेंड। और अब 2 मिनट बाद हम इसे अपने सर्विंग बॉल में ऐड कर लेंगे। तो बस हमारा वेज मंचूरियन पनीर तैयार है। तो फ्रेंड आइए, आप लोग भी टेस्ट करके बताइए कि आप लोगों को ये ग्रेवी वाली मंचूरियन वेज पनीर कैसी लगी। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आप एक बार इसे ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। हाँ फ्रेंड, इसे लाइक भी दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और जो लोग पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा ये मिक्स वेज पनीर मंचूरियन तैयार है। ये हम देखिए, हमारे नाश्ते की थाली भी तैयार है। आज मुझे काफ़ी लेट हो गया है, तो इस समय बज रहे हैं 12। मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।